सुशील सिंह, जनरल वाई के जोशी, कोर कमांडर जनरल हरिंदर सिंह जी, और यहां मौजूद मेरे सभी बहादुर जवानों, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप लोगों का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यह मानता हूं अपने सेना के जवानों के संबंध में, वह केवल एक सेना के बहादुर जवान ही नहीं है, बल्कि वह सचमुच भारत की आन बान और शान है। समय समय पर जो भी करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों के द्वारा किया गया है, उस पर समस्त देशवासियों को नाज है। आज यदि आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, तो मन में एक पीड़ा कम ही। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ, उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की, उनके खोने का गम आपसे मिलने की खुशी। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहूं, उनकी स्मृति को नमन कर, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आकर दो टूक शब्दों ने कहा है, उनकी वह शहादत, उनका वह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जैसे सेना के जवानों ने, जवानों को जिन मां बाप ने पैदा किया है, सचमुच में शीश झुकाकर उन मां बाप का भी अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है, आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना ये कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते। भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही मिली है, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान जैसे लोग। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुन लिया था, तब जाकर यह हमारा भारत आजाद। कितना भी आपके बारे में कहा जाए,
इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इसकी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की एक इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी कब्जा किया। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है, हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, इसीलिए यह सब सारी बातें मैं बोल रहा हूं। आपके ऊपर भरोसा है, जिन हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी उसका गम केवल परिवार के लोगों को नहीं, हम लोगों को 130 करोड़ भारतवासियों को। मैं आप सबको बहुत हमारी इच्छा थी कि आप कभी हमारी भेंट हो, मित्रों भरोसा रखना, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं, भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला ले दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधान। हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, राष्ट्रीय स्वाभिमान यह हमारी पूंजी है। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि और अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आज हम लद्दाख के क्षेत्र में यहां पर खड़े हैं और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आकर आप सबसे मिलते हुए जहां मुझे बेहद खुशी हो रही है, वहीं पर इसी लद्दाख के कारगिल त्रास सेक्टर भारत की सीमा की रक्षा करते हुए, एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हुए हमारे सेना के जवानों ने जो शहादत दी है उनको भी मैं इसमें स्मरण करना चाहता हूं और उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि कारगिल दिवस की भी एनिवर्सरी 26 जुलाई है और यहां आया हूं तो मैंने सोचा कि दिल्ली से तो उनको स्मरण करेंगे, लेकिन लद्दाख की धरती पर आकर उनको स्मरण करना चाहता हूं और उनकी शहादत सदैव हम सबके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में
काम करती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको, आपका और साथ ही साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों का भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं।